सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक अनदर न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग टेम करने वाले उली रिहानो, जो भी कह लें इसको, नाम में क्या रखे आखिर में। तो वैसे तो ये नॉन अग्रेसिव क्रीचर होते हैं, बट फिलहाल के लिए मैंने आजू बाजू सारे थ्रेट क्लियर कर दिए। तो यहाँ पे मेरे पास लार्ज बी ए ट्रैप है, तो यहाँ पे मैं पहले ट्रैप बिछाता हूँ। तो मुझे लगा कि अगर ट्रैप बिछा दे तो शायद ये ट्रैप में फंस सकता है, तो पहले तो नहीं फंसा, बट कुछ देर बाद जाके ये फंसता है। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे ट्रैप अभी काम नहीं करेगा, बट फिर भी ट्रैप बिछा देते हैं हम। इसके लिए प्रॉपर ट्रैप की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्ड करना पड़ेगा हमें, स्टोन का ट्रैप बिल्ड करेंगे। तो आप लोग अपने अनुसार स्टोन का ट्रैप बिल्ड कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं बिल्ड करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया, और साथ ही साथ फास्टिंग तरीके से हम लोग ट्रैप बना लेते हैं। तो ट्रैप बनाने के लिए हमें चाहिए स्टोन का बड़ा सा गेट, और साथ ही साथ उसके किवाड़ियाँ, हिंदी में बोले तो डोर, सॉरी इंग्लिश में बोले तो डोर, हिंदी में बोले तो कुछ और। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल इतना तो क्राफ्ट कर लिया, देखते हैं हम लोग इसको कितने में ट्रैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, हम लोग पहले से अगर बना के रखते तो इजीली 2 या 3 में ट्रैप कर सकते थे, बट यहाँ पे मैंने तुरंत ऑन द स्पॉट बनाने की कोशिश की, तो थोड़ा सा इधर उधर बनाने के चक्कर में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, जो कि प्रॉपरली नहीं बन पाया, और प्रॉपरली ट्रैप भी नहीं कर पा रहे थे हम लोग। तो जितना गैप था मैंने सारा कोशिश किया बंद करने का, बट कहीं से ना कहीं से गैप निकल ही जाता था। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ देर ट्राई करने के बाद फाइनली मैंने इसको ट्रैप कर लिया। यहाँ देखिए हमें ये भगते जा रहा था, और यहाँ पे एक और ट्रैप की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर फाइनली हम लोग डंडना डंडन हो जाएंगे। और कितना सारा बनाना पड़ा हमें, यही होगा अगर आप लोग पहले से ही ना ट्रैप बना के रखें तो, बस वेस्ट ऑफ मटेरियल। फ़िलहाल तो यहाँ पे मेरे लिए कोई कॉस्टली नहीं है, क्योंकि मैं हैक वर्जन खेल रहा हूँ। अगर आप लोग ये हैक वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो जाके मेरे यूट्यूब से वीडियो देख के डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये फाइनली ट्रैप हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने इसको हिंट दिया, और थोड़ा सा मुझे गेटों से दूर रह के हिंट देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं हिट देने जा रहा हूँ गेट अपने आप ऑन ऑफ हो रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूर होकर हम लोग हिट देना स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ इसको जल्दी से जल्दी नॉकआउट करते हैं। तो इसको टेम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी बैरीज वगैरह की। अगर बैरीज है तो समझ लीजिए टेम तो हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप मल्टीप्लेयर में खेल रहे हैं तो करीब करीब 1-1.5 घंटा भी ले सकता है, अगर एक हाई लेवल का टेम करें जितना ये लेवल इस समय है। तो कोशिश करिएगा अगर इसको टेम करने जा रहे हो तो आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो, साथ ही साथ आपके पास स्मूथ ब्लेम एक जरूर हो, अदरवाइज आप डू नॉट टेम इट, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है। यहाँ पे देखिएगा, मैं बता रहा हूँ क्यों हार्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे बैरीज वगैरह देने पे ये 0.9 के पास आसपास कुछ एक बार में जा रहा था। यहाँ पे देखिए मैंने इसे बैरीज दे दिया, देखिए ये 0.5, एक बार में 0.5% जा रहा, तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये कितना हार्ड होने वाला है टेमिंग के लिए। और तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग क्रॉप देखते हैं यूज करके, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको लॉन्ग क्रॉप दे देते हैं, फिर देखते हैं ये एक बार में कितना परसेंट जा रहा है। फिलहाल तो ये 0.5% जा रहा था पिछली बार, बट यहाँ पे देखिए ये 1.1%, यानी कि बैरीज की अपेक्षा ये दुगना काम कर रहा, तब भी ये बहुत स्लो है हमारे लिए। तो अब हम लोग इसको स्मूथ ब्लेम देंगे ताकि ये 15 गुना फास्ट तरीके से टेम हो सके। यहाँ पे देखिए 19 बचा है हमारे पास अभी भी, 1.1 जा रहा, तो एक बार में 15% होगा, 15 या फिर 16% के आसपास जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हो चुका है एक बार कंप्लीट 15%, और ये 18 से 34 हो गया, फिर से अनदर 15%,
तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं करीब करीब 3 से 4 5 बार जाएगा तो ये कम्प्लीटली टेम होगा, जबकि मैंने इसे 15 गुना फास्ट टेमिंग वाला स्मूथ ब्लेम दे रखा है। तो यहाँ पे काफ़ी देरी के बाद वेट करते 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 अनदर वन कंप्लीट, आई थिंक इसके बाद एक और जाएगा। और ऑलमोस्ट डन होने ही वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा, नहीं एक बार और जाएगा इसके बाद, उसके बाद ही डन होगा क्योंकि 15% ही जा रहा है एक बार में अगर 15 गुना फास्ट दे रहे हैं। देखिए 99.7 पे क्या अटका है भाई, 0.3% के लिए भाई, दिस शुड बी फिक्स्ड, बट कोई बात नहीं। चलिए तब तक हम इसका सैडल वगैरह देख लेते हैं। तो इसका सैडल हमें मिलेगा 53 के आसपास और इसको हम लोग स्मिथी से ही क्राफ्ट कर सकते हैं। और इसका सैडल हमें क्राफ्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी हाइड फाइबर सिमेट्रिक पेस्ट और साथ ही साथ मेगल इग्नोट की। तो यहाँ पे मैंने इसे आरजे में दे दिया सैडल क्राफ्ट करने के लिए, तो ये सैडल क्राफ्ट हो रहा और ये हमारा सैडल ऑलरेडी क्राफ्ट हो चुका है। अब हम लोग वेट करेंगे ये पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाए, तो हम लोग इसको सैडल दे के देखें कि ये कितना ज़्यादा शानदार लग रहा टेमिंग के बाद। तो थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा हमें, इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, देखिए 1018 kg वेट है इसका और इसका डैमेज उतना खास तो नहीं है, बट कोई बात नहीं जितना है उतना काफ़ी है। और ये देखिए कम्प्लीटली टेम हो चुका है हमारा एक धांसू सा क्रीचर। और अब हम लोग इसको देते हैं इसका सैडल और इसको एक कॉलर भी दे देते हैं ताकि हमें खोजने में इसे आसानी हो। ये अच्छा लग रहा है, आई थिंक ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको चेंज कर देना चाहिए हमें। ये देखिए सैडल वगैरह देने के बाद हम लोग इसमें से एग्जिट ही नहीं ले पा रहे, आई थिंक मैं बैठा हूँ इसलिए एग्जिट नहीं ले पा रहे हैं, अगर ये अलोन रहता तो ले सकते थे, बट कोई बात नहीं इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। और यहाँ मैंने इसको रिमूव कर दिया। इसकी रनिंग स्पीड कुछ ख़ास तो नहीं है बट जितना भी है एवरेज में है। इससे बैरीज वगैरह भी कलेक्ट कर सकते हैं बट इससे मीट वगैरह नहीं कलेक्ट कर सकते, वुड भी कलेक्ट कर सकते हैं इससे। मुझे लग रहा वुड के साथ साथ मूट में ही जो वुड रहेगा उसमें से ही बैरीज वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा डायर वुल्फ आ गया था, लेवल 10 का है, इसका उतना खास डैमेज वगैरह नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा लेवल 50 तक का कंप्लीट हो चुका है वीडियो, तो अनदर 50 लेवल का वीडियो बचा हुआ है तो उसको भी जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और फिर जैसे ही ये पूरा 100 तक के सीरीज के सारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सोलो में सिंपल मोड खेलना, विदाउट हैक एनी हम लोग नॉर्मल तरीके से खेलना स्टार्ट करेंगे।